देखिए कौन बनाया मेरे घर कलश रखे। तो आज दोपहर को बड़ी मुश्किल से समय निकाला है और बच्चों के कॉपी किताब की कवरिंग करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्कूल खुलने वाला है। ये वीडियो आप तक जाते जाते स्कूल बच्चों का खुल चुका होगा, तो वीडियोस थोड़ा लेट जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा समय कम मिल रहा है। मैं बताऊंगी क्यों समय कम मिल रहा है आगे। और यहाँ पे देखिए सारे कॉपी किताब सब इकट्ठा मैंने कर लिया है और जितनी भी कवरिंग हो सकेगी आज करने की कोशिश करूँगी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे चैनल शिवांका ब्लॉग्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और स्कूल खुल गए हैं, नए सेशन शुरू हो गए हैं, बच्चों के कॉपी किताब और ये सब तो मैं पहले ही ला के रख ली थी, लेकिन ये सारे काम मैं ख़त्म कर लूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है और मुझे ही करना है क्योंकि बच्चे तो अभी छोटे हैं, वो लोग कर नहीं पाते हैं। तो चलिए ये सब कवरिंग वगैरह करके ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये छोटे छोटे से काम देखने में और सुनने में तो बड़े छोटे लगते हैं, बट टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं क्योंकि ये बच्चे बड़े क्लास में धीरे धीरे जा रहे हैं, तो कॉपी किताब का बोझ बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ मेरा साल में ये काम भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तन्मय की कॉपी किताब को करूँगी क्योंकि वो छोटे हैं और उनके ही कॉपी किताब सबसे पहले चेक होंगे क्लास में, क्योंकि छोटे बच्चों को अप टू डेट करना ज़रूरी होता है, हर चीज़ चेक होता है छोटे बच्चों का। तन्वी में है तो चेक नहीं होगा, सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, तो उनका बाद में करूँगी, या अगर इनके पापा को टाइम मिल गया, छुट्टी मिलेगी तो वो भी कर देंगे। तो यहाँ पे जितना भी मैं कर पाऊँगी आज करूँगी। इसके अलावा नवरात्रि चल रही है और पूजा पाठ भी करना है, तो शाम हो जाएगी, फिर मंदिर भी जाना है और आज हवन भी है, तो हवन का भी वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं कवरिंग कर रही हूँ, तो मैं ये सब काम इंजॉय भी करती हूँ क्योंकि स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। जब हम छोटे थे तो हम तो ऐसे कवरिंग नहीं करते थे क्योंकि हम लोग पेपर चढ़ा लेते थे, न्यूज़पेपर। आप लोग भी कैसे कवरिंग करते थे ज़रूर बताइएगा, जो लोग भी मेरी एज के आसपास होंगे तो उनको याद होगा कि बचपन में हम लोग न्यूज़पेपर मिलता था, वो भी अपने घर नहीं आता था तो किसी के यहाँ से मांग के ले आते थे और कवर चढ़ाते थे और बड़ा मज़ा आता था करने में ये सब। और नई नई कॉपी किताब आती थी तो दो चार दिन खूब पढ़ने में भी मन लगता था, तो वो सब चीज़ें तो अभी भी है बच्चों में। जब नई बुक्स आती हैं तो बच्चे एक दो दिन खूब पढ़ते हैं, मन लगा के लगता है कि अरे साल भर अगर इस तरह से पढ़ें तो बड़ा अच्छा लगेगा। और हम लोग भी ये काम करते थे, पहले पेज पे जब लिखना होता था तो खूब राइटिंग अच्छी करके लिखते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो वो बचपन के सारे दिन याद आने लगते हैं बच्चों के साथ, और ये सच है कि बच्चों के साथ हमारा बचपना भी एक तरह से फिर से शुरू हो जाता है। और ये सब काम एकदम इंजॉय लेकर के करती हूँ मैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है। थोड़ा काम बढ़ जाता है ये चीज़ है, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है बच्चों के साथ, अपना भी दिन याद आता है। और फिर तन्वी तन्मय के साथ शेयर करती रहती हूँ, वो लोग भी पूछते रहते हैं कि हम भाई बहन कैसे स्कूल जाते थे, क्या पढ़ते थे, कैसे झगड़ा करते थे, तो सब कुछ बच्चों के साथ अच्छा लगता था। फिर शाम हो गई तो शाम को देखिए आ गए हैं मंदिर में और आज है हवन पूजा, मतलब आज दसवीं है तो दसवीं के दिन मंदिर में ही हवन हुआ। घर पर मैंने हवन कर लिया था छोटा सा और वो कलश वगैरह हटा लिया था, इसके बाद मंदिर आ गई तो यहाँ पे सारी कॉलोनी के लोग आते और एकदम फेस्टिवल की तरह लगता है सब कुछ, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आज से अब नवरात्रि ख़त्म हो जाएगी और फिर से नॉर्मल डे शुरू हो जाएगा क्योंकि सुबह शाम भाग दौड़ थी और अच्छा लगता था, त्यौहार जैसा लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। और सबका हो जाएगा आज आरती पूजा सब करके मंदिर से, उसके बाद हम लोग घर जाएँगे और बहुत खास लोग आने वाले हैं आज, तो चलिए उनसे भी मिलवाती हूँ आप लोगों को। तरह से नवरात्रि की पूजा संपन्न हो जाती है और उसके बाद हम लोग घर आते हैं। फिर नेक्स्ट डे देखिए हम लोगों से कौन मिलने आया है, बहुत ही खास लोग मिलने आए हैं हम लोगों से।
देखिए कौन कौन आया मेरे घर, कलश रखे लटते गिराते हैं ना, लेकिन अकेले नहीं, अकेले नहीं, उनको कहां से पकड़ के लेके आना चाहिए था, ऐसे थोड़ी ना कलश गिराते हैं अकेले। अरे बाप रे, हम तो डर गए होते, मम्मी से पूछ रहे थे कि वो भी आ रहे हैं। अरे तू क्या तू कर क्या कर भाई बवाल क्या। अच्छा हाँ, ये काला ब्लैक ब्यूटी बंदर। अरे खुश रहो, यही काला करने में आई है। हेलो, आपको मुंह नहीं दिख रहा है, मैं दिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए तो हम सबको अपना मुंह नहीं दिखाने क्योंकि दिखाने लायक नहीं है। कि आगे नहीं कॉम्पिटिशन। अरे आइए अंदर लो, चलो 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 अंदर, चलो सब लोग अंदर आइए, ब्लॉग तो बनना चाहिए ना। पहली बार शुभारंभ हो रहा है, कोई इतनी दूर से चल के आया है, इतना सब कुछ। अरे मतलब तो सेकेंड नंबर वाले मामा मामी जी आए हैं बेटियों के साथ, और क्योंकि दीदी को अभी फिर मुंबई निकल जाना है, बड़ी वाली अभी इनकी शादी हुई थी, तो हम सब लोगों से मिलने आई हैं। एक दो दिन ये लोग रुकेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूंगी। बहुत ही इंजॉय किया हमने, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।